नमस्कार, जेबीटी एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशी पांडे। इन दिनों सभी लोग महापर्व छठ के फेस्टिवल को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी मूवी के बारे में बताएंगे जिससे आप घर बैठे बैठे बिहार पर बेस्ड फिल्मों का लुत्फ उठा सकते हैं, जो कि OTT पर भी आपको आराम से मिल जाएगी। वहीं इस लिस्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर की। ये फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। फिल्म धनबाद के वासेपुर में चल रहे गैंगवार और धनबाद के कोल माफियाओं पर आधारित है। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी फिल्म ओमकारा का। इस फिल्म में सैफ अली खान है। सैफ का रोल लोगों को खूब पसंद आया था। इसमें एक्टर ने लंगड़ा त्यागी का किरदार निभाया, जो कि खूब हिट भी रहा। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। वहीं फिल्म मांझी द माउंटेन मैन भी आप देख सकते हैं। ये फिल्म बिहार के गया जिले के गरीब मजदूर रहे दशरथ मांझी की बायोपिक है। इस फिल्म को भी दर्शकों का काफी प्यार मिला था। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। वहीं साल 1999 में आयुषूल सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म में मनोज बाजपेयी लीड रोल में थे। ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप जय गंगा जल फिल्म भी देख सकते हैं। ये फिल्म बिहार की पहली महिला IPS मंजरी जरूहर पर आधारित। वहीं इस फिल्म को आप G5 पर देख सकते हैं। ऐसी ही एक और फिल्म है अपहरण, जो की बिहार की कहानी पर बेस्ड है, जहाँ अपराध की दुनिया को उजागर किया गया है। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर इतना ही, और ऐसे एंटरटेनिंग खबरों के लिए आप देखते रहिए JBT एंटरटेनमेंट।